तो इस समय देख सकते हैं योगेंद्र राणा डोर टू डोर करते हुए पूरे शहर में ये शो निकलता हुआ, और इस समय तस्वीरें सीधी और लाइव जो है असल हलचल हरियाणा के। योगेंद्र राणा जो है इस समय आपको नजर आते हुए सीधी और लाइव तस्वीरें, उनका फूलों से स्वागत होता हुआ और लड्डुओं से स्वागत करते हुए योगेंद्र राणा का। और इस समय ये देख सकते हैं चक्कर जी आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज मेन बाजार कवर चौक में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का योगेंद्र राणा के नेतृत्व में काफिला चल रहा है, जिसमें जी हमारे दीपक छाबड़ा, धर्मवीर जागड़ा, रमन चक्कर, करीराम जी बिंदल और हमारे कटारिया साहब और हमारे महेंद्र शर्मा फपड़ाने वाले कैप्टन साहब, हम सब भारतीय जनता पार्टी के और हमारे एमसी जगदीश जी जब हमारे साथ हैं, आज ऐसे लगता है जैसे आज दीपावली मनाई जा रही है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, आप देख सकते हो कितना जोश है, कितना जोश है, देख सकते हो जिस प्रकार का जोश है, देख सकते हैं भाई एक एक दुकान पर जो है जाते हुए हाथ जोड़ते हुए योगेंद्र राणा, और भाजपा की जो पूरी टीम है वो आपको नजर आती हुई हाथों में भाजपा के झंडे फहराते हुए इस समय बिल्कुल जो है बाजार के बीचों बीच की तस्वीरें। और इस समय देख सकते हैं हर दुकान पर जाकर के वोटों की अपील जो है करते हुए कबर चौक की तस्वीरें हैं, और देख सकते हैं कि ए टू जेड दुकान पर वोटों की अपील करते हुए इस समय काफ़ी जोश है, जुनून है, और भी साथी जो है साथ में है, और भाजपा की ये टीम जो है वोटों की अपील जो है करती हुई और हर दुकान पर, हर एक शॉप पर जाकर के वोटों की अपील करते हुए। और रणवीर सरपंच है, हाँ सरपंच साहब कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, बोल पूरा अभी गर्म हो रहा, उठना शुरू है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बस थोड़े दिन में बीजेपी मजबूती मिली है उनके जाने के बाद। हाँ, सरदार बख्शीश सिंह के पार्टी के जाने के बाद है नी, जब से वो बीजेपी से बाहर गए हैं पूरी मजबूती मिली है, और निखर का होगी पार्टी, और भी उनके जाने के बाद पार्टी मजबूत हुई है, कमजोर नहीं है। कमजोर तो कांग्रेस हुई है कि वो जहाँ गए हैं नी, वो तो अपने उड्डा साहब के साथ गए हैं, ये कुमारी सैलजा के साथ है, दोनों आपस में टकराव हो रहा, वो तो वोट कटने वाली बात है। उनके जाने से बीजेपी में कोई फर्क नहीं पड़ा, है तो है बल्कि, और कांग्रेस को नुकसान होगा, देख लियो। देख सकते हैं इस समय हर शॉप पर जाकर के, दुकान पर जाकर के वोटों की अपील करते हुए, और इस समय आप देख सकते हैं लगातार ये तस्वीरें नजर आती हुई, लगातार सभी जो है ये काफिला काफिला बाजार के बीचों बीच जो है निकलता हुआ। और इस समय देखिए किस तरीके से एक पर्व की तरह जो है, त्यौहार को की तरह जो है इलेक्शन को मनाया जा रहा है। राम राम भाई, सभी को राम राम। ये आज असंध की जनता ने साबित करके दिखा दिया, इतनी तपती धूप में डोर टू डोर कर रहे हैं, जनता का बहुत सारा प्यार और प्रेम मिल रहा है, इससे साबित होता है भारतीय जनता पार्टी का अलग ही इलेक्शन एक तरफा होता जा रहा है। इस समय देख सकते हैं हम बिना
पर्ची और बिना खर्ची के जो इस सरकार ने काम कराए हैं, युवा साथी साथ में ले लिया और अभी संघर्ष और जो संकल्प यात्रा के लिए हमने जो बीड़ा उठाया है जिसमें 2100 रुपए मासिक पेंशन पार्टी है, सनातन धर्म की रक्षक पार्टी है, इससे ऊपर पूरे विश्व में पार्टी नहीं है। समझ के सब यह बात है। हाँ, पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान, पूरा मानव जाति समझ के असंग में क्या भी होता है। असंग में बहुत बढ़िया भाई सब, 100 के 100 मारी लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, जय श्री राम। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ये जन सैलाब करता है। देख सकते हैं यह जन सैलाब उमड़ता हुआ भाजपा के योगेंद्र राणा जो है जो है आपको नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के उत्साह को देखते हुए आप सभी को हार्दिक बधाई है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और असंध से एक बड़े कमल का फूल खिलकर चंडीगढ़ पे जाकर असंध की आवाज को बुलंद करने वाला है। देख सकते हैं सारे भी कार्यकर्ता जोश में हैं, जुनून में हैं और ये कार्यकर्ता असंध की गली गली में वोटों की अपील करते हैं। Yeah.